ओडिशा के शमशाबाद तहसील के ग्राम कोलुभा में ग्रामीण राशन को लेकर काफी परेशान हैं। ग्रामीणों ने शासकीय दुकानदार पर सही मूल्य पर राशन न देने का आरोप लगाया है। बता दें कि गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन देना है, लिहाजा ग्रामीणों का कहना है कि राशन के लिए उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। वहीं इस मामले पर कनिष्क आपूर्ति अधिकारी ने कार्रवाई करने की बात कही है। सरकार वादा कर रही है किसानों को सस्ते मूल्य पे अन्न देने का, और दूसरी तरफ लोग परेशान हैं। ग्राम कोलुआ से कुछ लोग आज जनसुनवाई में आए हैं जिन्हें राशन भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। बात करते हैं अपन जी। हाँ। कौन से गांव से आए हैं आप लोग? कोलुआ से आए सर। कोलुआ से? हाँ। क्या समस्या आपकी? हमारी समस्या ये है, साहब 4 महीना को ना जाते तो 3 महीना को मिले, 1 महीना को नहीं मिलते। 1 महीने के मिलते ही नहीं? मिलते नहीं है, बिल्कुल लगातार ऐसे पैसे लेते हैं। वो पैसे भी लेते हैं? पैसे लेने के बाद भी, मतलब पैसे लेने के बाद भी आपको अनाज नहीं मिल पाता? नहीं मिल पा। तो क्या आपने इसी शिकायत पहले भी करी है कि पहली बार शिकायत कर रहे हैं? जो मैडम का नडेरन करी थी शिकायत गई थी। हाँ, फिर क्या हुआ उसकी? वो मैडम बिल्कुल ही नहीं सुनवाई कर रही, बिल्कुल नहीं। चले तुम पार्टी पेपर रहे पार्टी पेपर रहे हमें कार्ड दो साहब, हमें पार्टी का लेने देने, हमका कहीं कोई नहीं पार्टी पेपर सरकारी बच जा, हमें तो हम तो गए काम। फिर आज यहां जन सुनवाई में आए तो क्या आश्वासन मिला आपको? वो जो कह लगे आप यहाँ से ले सको दुकान पे तो मैं करवा देंगे, वहाँ से ले सको तो मतलब निजी जहाँ तो शमशाबाद से ले सको, निजी दुकान है तो वहाँ से ले सको। लेकिन निजी भाई साहब तो कौन कौन है आपके राशन विक्रेता, कौन है जो सरकार ने नियुक्त करा है? वो राम नाम कौन के सही रामराज है, रामराज यादव नाम से व्यक्ति है। तो एक बार तो मेरे को नहीं दिया, आज कम 10 महीने से अनाज नहीं मिला मेरे को। 10 महीने से अनाज? हाँ, 10 महीने से नहीं मिला। मैं गया था आपके पास, मेरे पास परमिट है, गरीब रेखा का परमिट है इनके पास, गरीब रेखा के नीचे, लेकिन इनको 10 महीने से अनाज नहीं मिला। लेने जाते हैं तो वो लोग दादागिरी बताते हैं, दादागिरी बताते हैं, बिल्कुल दादागिरी बताते हैं, मनमानी चल रही है उनकी। तो आज आपने आवेदन किस चीज के, क्या मांग का दिया? हमने तो दूसरी जगह, मतलब दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, हमारा भाना समझा ट्रांसफर हो जाए, तो समझा दे रहे हैं हम तो समझा ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि वो उसको चेंज करना नहीं चाह रहे हैं और आप लोग की वहाँ चल नहीं पा रहे हैं। हम लोग अकेले साहब, वो 4-5 जने दादा की बताते हैं चल रहा है मैडम, धमकी दे रही थी अभी मैडम को, गलत धमको झंझाना वहाँ चले जाइए। अच्छा, कोई कौन है संबंधित अधिकारी, कौन है वहाँ पे, कौन सी मैडम है? मैडम है पिंकी मैडम, पिंकी मैडम है जी। नटे किस पद पे है वो? ये फूड इंस्पेक्टर जी। अच्छा अच्छा, क्या सर बहुत वो मनमानी चल रही है उनकी, कुल मिला के बाद ये को रास्ता निकलना मुश्किल है हमारा। चले जा, आप कहाँ जा रहे हो? अभी जाएंगे, रास्ते में मिल सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। हम परेशान है, एक महीने का ना आया, बस बाकी पूरा नहीं आया, पूरा ये नहीं हमको। सारे हाल अपन सामने देख सकते हैं किस तरीके की पूरी प्रक्रिया चल रही है, सभी लोग परेशान है सर। मोटरसाइकिल जी 5 बीघा जमीन बारे जो कभी ना आया था उस टाइम पे पैसे नहीं लग रहे थे, उन लोगों ने पैसे लिए, पैसे देने के बाद भी नाज नहीं दिया उन लोगों ने। कह लेना हो तो लो, नहीं ये रास्ता पड़ी निकल जाए, नहीं ये लट्टे का हमारा ये कंडीशन है सर, पूरा नाज वही खा रहे हैं टोटल, गाड़ियों में भर भर के लाते हैं, समसाद बेच के जाते हैं। मैं तो सेम देखता हूँ भाजी, एक आदमी का करा, सब लोगों को मदद मिली इस चक्कर में सब यहाँ का जकात करने जाती है, उनके उनके आदमी बुला के दस्तखत करा लेते हैं, वो टोटल फर्जी काम चल रहा है उनके यहाँ तो, पूरा फर्जी काम चल रहा है। ये सारी बातें बताई हैं आपने अंदर? सर बताई ना सर, सब बताई हमने अंदर। टाइम पर उनके पास खाने नहीं था, ट्रैक्टर गाड़ी घोड़े दुनिया कर्म हो रहे, कहाँ से हो रहा है, हमारे गरीबों को नाश से हो रहा है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से हम बात कर रहे हैं। जैसा कि सर आपको ज्ञात होगा, आज जो आपको शिकायत मिली है ग्राम कोलुआ से, शमशाबाद क्षेत्र से, कि जो आपने जिनको आप दे रखा है कार्यभार वहाँ पर अन्न या राशन देने का, वो तरीके से नहीं हो रहा है, उस बारे में आप बताएं जी। आज जिला पंचायत विदिशा जन सुनवाई में मैं वहाँ उपस्थित था, और वहाँ से करीबन लगभग 25-30 राशन पर्चीधारी हमारे उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने आए थे जन सुनवाई में। उनसे जो वहाँ पर चर्चा की गई उसमें यह पाया गया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान कोलुआ शमशाबाद क्षेत्र की, उसके दुकान के विक्रेता द्वारा 1 माह का राशन किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया है। जैसा कि अभी शासन निर्देशानुसार माह जनवरी और फरवरी 2 माह का राशन एक साथ वितरित किया जा रहा है,
और रेगुलर के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का भी राशन वितरण किया जा रहा है, तो उसी में गड़बड़ी करने की शिकायत प्राप्त की गई है और इस संबंध में हमने क्षेत्र की कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नटेरन शमशाबाद में पिंकी शाक के मैडम को भी बता दिया है। वो शीघ्र ही इसकी जांच पूर्ण करके और प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। मुद्दे पर संजीव साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदिशा संवाददाता। संजीव, हमने उन लोगों की भी बातें सुनी जो भुक्तभोगी हैं, जो परेशान हो रहे हैं, हमने उन अधिकारी की भी बातें सुनी। इन दोनों बातों से या उन जो हितग्राही हैं उनकी बातों को माना जाए, अधिकारियों की बातों को माना जाए, आपको क्या लगता है कहाँ कमी आ रही है? स्पष्ट है जो हितग्राही हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, और ये भी स्पष्ट है कि अधिकारी हैं वो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जो पीड़ित पक्ष है उनका कहना ये है कि हमें जो राशन मिलता है, सबसे पहला तो ये कि हमें दो या तीन महीने का राशन मिलता है, उसका एक या दो महीने का उसमें गैप कर दिया जाता है, और जो कि हमारे राशन कार्ड में चलता है, लेकिन हमें वो राशन मिलता नहीं है। सबसे पहला पक्ष उनका ये। दूसरा, प्रधानमंत्री जी के कहे अनुसार कि लोगों को राशन जो 28 दिनों कैटेगरी बताई गई है अधिकारी द्वारा भी, उन लोगों को निःशुल्क राशन मिलना चाहिए, लेकिन वो निःशुल्क राशन उन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, वहाँ उसके लिए शुल्क वसूल की जा रही है। जी, तो उसके लिए ही ये लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने अपना आवेदन दिया है, और उसी संबंध में अपन ने संबंधित अधिकारी से बात करी, तो जो जिला आपूर्ति अधिकारी रश्मि साहू जी थी वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, वो थी नहीं, फील्ड पे गई हुई थी। तो जो कनिष्ठ जिला आपूर्ति अधिकारी थे उनसे बात की गई पंचोली जी से, तो उनका कहना है कि हम 7 दिन के अंदर इसका कुछ ना कुछ नकार निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये मामला नया तो है नहीं जो 7 दिन में खत्म कर देंगी वो, है ना? 10 माह से हमने सुना भी अच्छी तरह हितग्राहियों की बातों को कि 7 दिन में जो बात खत्म करने की अधिकारी बात कर रही हैं, और हम यहाँ अगर हितग्राहियों की बात करें तो उन्होंने कहा कि 10 माह से जो परेशान हो रहे थे लगातार, और 10 माह से उनको अनाज ही नहीं मिला था, तो मतलब ये समस्या तो पुरानी है, महीनों पुरानी है। इसके लिए उन्होंने संबंधित जो वहाँ पे फूड इंस्पेक्टर थी पिंकी साथी जी से, उनसे 2-3 बार वो कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरीके कोई एक्शन नहीं लिया उस मामले में, और इसीलिए फिर उनको शमशाबाद से विदिशा आना पड़ा शिकायत करने के लिए। तो जन सुनवाई में जब वो गए तो क्या परिणाम निकला जन सुनवाई का? जन सुनवाई में उनको आश्वासन ही मिला है बस, हमेशा की तरह। हेलो हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो, हाँ जी जी जी, हाँ अब हम बात करेंगे। पिंकी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, संजीव दूसरी फोन लाइन पर, फूड इंस्पेक्टर हैं ये। पिंकी जी, जी बहुत बहुत स्वागत है। पिंकी जी, खबर भारत से बात कर रही हूँ। आपके पास संजीव आए होंगे, और जिस मुद्दे की मैं बात कर रही हूँ वो मुद्दा आपके लिए नया नहीं होगा क्योंकि संज्ञान में होगी, जन सुनवाई तक में ये बात पहुंची, हितग्राही समय समय पर अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे थे दफ्तरों में, और जिस तरह से आश्वासन के अलावा उनको अनाज तो नहीं मिल पाया। नहीं, आश्वासन के अलावा अनाज उन्हें मिला है। उनकी समस्या ये थी कि वो उस कोलुआ की राशन दुकानदार से, उनको उसके व्यवहार से परेशानी थी, इसलिए उन्होंने कहा कि उनको किसी दूसरी दुकान से राशन दिलाया जाए, क्योंकि पोर्टेबिलिटी और वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत हम किसी भी दुकान से राशन ले सकते हैं। तो आज उन हितग्राहियों को हमने शमशाबाद की दुकान से राशन प्रदाय करवाया है। लेकिन पिंकी जी, मुद्दा तो महीनों पुराना है ये, मतलब वो लगातार कई महीनों से परेशान हो रहे हैं। 4 महीने के राशन की बजाय उन्हें 1 महीने का राशन बस, 3 महीने का मिलता है, 1 महीने का तो दिया ही नहीं जाता है। ये तो मेरे पास संज्ञान में आज आई है, कल जन सुनवाई में जब। अरे मैम, कितनी अजीब बात है, आज आई है आपके संज्ञान में ये बात। हितग्राही तो लगातार, हम आपसे आज बात कर रहे हैं, लेकिन हितग्राही तो लगातार इन समस्याओं को आपके पास लेकर आ रहे हैं। नहीं, हितग्राही यदि लगातार मेरे पास इन समस्याओं को लेकर, संजीव, उनका निराकरण तभी होता। बिल्कुल संजीव, आप सुन रहे होंगे सारी बातें पिंकी जी की। बिल्कुल मैम, तो बताइए अब आप। जी मैम, जो पीड़ित पक्ष था उनका कहना ये कि हम काफी बार मैम से शिकायत कर चुके हैं संदर्भ में। जी बस रुकिए संजीव जी, पिंकी जी बताइए आप क्या कहना चाहेंगे आप।
नहीं नहीं मेरे पास ये शिकायत, हमने हितग्राहियों की बाइट चलाई है मैम। हमने जब इस मुद्दे पर बात की तो हम बिल्कुल खबर भारत हवा में बातें नहीं करता, हमने उन हितग्राहियों से बात की है, उन्होंने स्वीकार किया। वही बात संजीव आपको बता रहे हैं, हमारे संवाददाता हैं विदिशा के। हाँ। तो उन्होंने बताया, जैसा संजीव आपने सुना होगा, संजीव ने कहा कि उन्होंने हितग्राहियों से जब बात की तो हितग्राहियों ने बताया कि मैम को कई बार इस बात की जानकारी दी गई है। नहीं, मुझे सिर्फ उन्होंने हितग्राहियों ने ये जानकारी दी, और हर बार ये जानकारी दी कि वो किसी दूसरी राशन दुकान से राशन लेना चाहते हैं, उसके व्यवहार से त्रस्त हैं। और वो जो निःशुल्क राशन मिलना चाहिए उसके भी पैसे वसूले जा रहे हैं क्या, आप तक ये बात आई? मैं कहना चाह रहा हूँ, जो निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है उसकी जगह वहाँ शुल्क वसूल किया जा रहा है जी, उस बारे में भी इन्होंने शिकायत करी है। शिकायत वही तो कह रही हूँ कि कल ही ये शिकायत संज्ञान में आई है कि उनके द्वारा पैसे लिए गए हैं, तो ये तो जांच का विषय है, और जांच करने के बाद ही उसकी आगे की कार्रवाई हो पाएगी। मतलब आपके पास अब तक इस तरह की कोई बात नहीं पहुंची थी? मेरे पास अब तक इस तरह की सिर्फ यही बात पहुंची थी कि वो विक्रेता के व्यवहार से त्रस्त हैं और किसी दूसरी राशन दुकान से राशन लेना चाहते हैं। तो विक्रेता के व्यवहार से त्रस्त होने में क्या ये बात नहीं जुड़ती कि उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, ये बात तो क्यों होगी? ये तो खुलकर, ये तो शिकायत करता जब अपने शिकायत में बताएगा कि वो पैसे लिए जा रहे हैं तो जांच की कार्रवाई की जाएगी ना। बहुत ये तो संज्ञान में कल की ही शिकायत में संज्ञान में आया है कि वो विक्रेता के द्वारा इनसे पैसे लिए गए। संजीव जी, आपने पिंकी जी से बात करने की कोशिश की थी? जी, मैंने कोशिश करी थी लेकिन उस टाइम ये फोन नहीं उठा पाए मैम, तो उसके बाद फिर मेरी बात नहीं हो पाई। पिंकी जी, चलिए हम मान लेते हैं आज आपके संज्ञान में ये बात आई है, तो हम क्या मान के चले, क्या हम उनकी मदद कर पाएंगे हितग्राहियों की, या उन्हें परेशान होते रहने दें? कोई बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मदद कर पाएंगे, और मदद कर क्या पाएंगे, मदद तो की है, आज उनको राशन प्रदाय करवाया है जिस दुकान से वो राशन लेना चाहते थे, और वो अनाज खत्म होने तक दूसरी बार जब वो अनाज लेने आएंगे तो उनको इन परेशानियों का सामना ना उठाना पड़े, क्या हम उसको सुनिश्चित करेंगे? नहीं उठाना पड़ेगा जी, बिल्कुल। ये चूंकि हमारा पूरा ये मामला है, जो बातचीत है वो सब रिकॉर्ड हो जाती है खबरों के माध्यम से, तो हम बिल्कुल ये आश्वस्त हो जाते हैं कि अब पिंकी जी के कार्यकाल में कोई हितग्राही राशन के लिए परेशान कभी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मैं चाहूंगी कि संजीव से, संजीव आप सुन रहे हैं मेरी बात को? जी बिल्कुल मैम। संजीव, ये पूरी चीजें रिकॉर्ड में चली जाती हैं, ठीक है, लेकिन हम इसको, इसका फॉलो अप मैं चाहूंगी कि संजीव से हम दोबारा बात करें, और आगे के फॉलो अप के लिए हम संजीव से जरूर बोलना चाहेंगे। जिस तरह से अभी हमारी बात हो रही थी, दर्शकों को बताना चाहेंगे, हम फोन इंस्पेक्टर से बात कर रहे थे, हमारे साथ जुड़ी हुई थी पिंकी शाक्य, और उन्होंने इस बात से आश्वस्त किया है कि अब हितग्राहियों को कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि कुछ बातें पची लेकिन कुछ बातें नहीं। जी, हमारे साथ संजीव दोबारा जुड़ चुके हैं। संजीव, जिस तरह से पिंकी शाक्य से हमारी बात हुई फूड इंस्पेक्टर, और उन्होंने आश्वस्त कर दिया है कि अब हितग्राहियों को उनके कार्यकाल में कम से कम परेशानी नहीं होगी, तो संजीव इस पर नजर बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि खबर भारत के रहते अगर हितग्राही, जी 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 बिल्कुल। संजीव, कितनी सच्चाई थी कितना इसमें झूठ था यह हमें नहीं पता कि अधिकारी कितना सच बोल रही थी, लेकिन अगर उन्होंने इस बात पर मुहर लगा दी है कि अब उनके रहते हितग्राही परेशान नहीं होंगे, आपने भी सुना होगा, बिल्कुल मैम, तो मतलब अब हितग्राहियों को परेशान नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, खबर भारत की जिम्मेदारी यही रहेगी कि 7 दिन के अंदर फिर से संपर्क करके और देखा जाएगा कि उनको जो सुविधाएं उपलब्ध होना चाहिए थी उपलब्ध हुई है या नहीं हुई है। बिल्कुल सही संजीव, अभी जिम्मेदारी हम मिलकर उठाते हैं, और 7 दिन के बाद हम इस खबर का फॉलो अप चलाएंगे। आप दोबारा पिंकी जी से बाइट लेने जाइएगा, अभी तो वो मिल नहीं पाई थी, फोन नहीं उठाया था उन्होंने, आपने बताया जैसे, उनसे मिलिएगा, उनसे चर्चा कीजिएगा, हितग्राहियों से भी जरूर मिलिएगा, और 7 दिन ही क्यों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें समय समय पर हितग्राहियों से बात करते रहना है, उनकी तकलीफों को जानना है, जो परेशानियों ने लगातार कई महीनों से आ रही है, जिसकी जानकारी आज हुई है पिंकी जी को, पिंकी जी के कहे अनुसार, तो वो परेशानियों से वो लगातार जूझ रहे हैं या अब उनकी परेशानियां कम हुई है, ये बात आप जरूर बताइएगा। जी मैम बिल्कुल, ये मामला उठाया जाएगा खबर भारत के माध्यम से, सभी जो पीड़ित पक्ष है उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जुड़ने के लिए, और इस खबर के लिए बधाई, और इसके साथ ही एक जिम्मेदारी और भी है हमारी कि जब भी आप फील्ड पर जाते हैं तो खबर भारत की टीम लगातार सुरक्षित रहे,
ये हम सब ये ध्यान रखेंगे और हमसे सभी सुरक्षित रहें, इसके लिए हमें मास्क लगा कर रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। और इसी के साथ दर्शकों, खबर भारत के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं क्रांति प्रिया अपनी टीम की तरफ से आप सभी से निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप भी जब कभी बाहर निकलते हैं पहले तो भीड़भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइएगा, जाते हैं ज़रूरत पड़ती है जाने की तो मास्क लगा के रखिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी को निभाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके रखिएगा, बच्चों के वैक्सीनेशन लगातार जारी है, वैक्सीन लगाइएगा, और आपके वैक्सीन अगर बचे हैं, अभिभावकों के परिवार में जिन भी बड़े सदस्यों का वैक्सीन बचा है तो वो दो डोज कम्प्लीट करें जल्द से जल्द। स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। खबर गजानन।